हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द शिक्षक अगेन आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ वेरियस फंक्शनलिटीज एंड ऑल दिस फंक्शनलिटीज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स तो चलिए देखते हैं ये सब मॉड्यूल्स कौन से कौन से होते हैं फर्स्ट है प्रोसेस मैनेजमेंट सेकेंड इज मेमोरी मैनेजमेंट फाइल मैनेजमेंट डिवाइस मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी अभी इन सब मॉड्यूल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे टू अंडरस्टैंड ईच फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट इज प्रोसेस मैनेजमेंट दोस्तों यहां पर आगे डिस्कस करने से पहले हमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि एग्जैक्टली exactly प्रोसेस मतलब क्या तो उसका डेफिनेशन है एन एप्लीकेशन प्रोग्राम विच इज अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस दोस्तों एप्लीकेशन प्रोग्राम हमारे पास बहुत सारे होते हैं जो एप्लीकेशन या जो टूल्स आप यूज करते हो आपके सिस्टम में जैसे कि कैलकुलेटर हो गया सिंपल नोट पैड वर्ड पैड आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स इवन आपके गेम्स ये सब आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि किसी ना किसी परपज़ के लिए किसी ना किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए बनाए गए हैं तो जब भी आप इन एप्लीकेशंस को रन करोगे मतलब इनको एग्जीक्यूट करोगे तो जब आप इनको एग्जीक्यूट करोगे तो उनको बोला जाएगा प्रोसेस तो ईच एंड एवरी एप्लीकेशन व्हेन अंडर एग्जीक्यूशन विल कॉल्ड एज अ प्रोसेस तो एक टाइम पे आपके सिस्टम पे जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन अवेलेबल है उनको हम बोलेंगे प्रोसेसेस तो एग्जीक्यूशन ऑफ दोस एंडिशन ऑफ दोस इज कमिंग अंडर दिटी ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट सर यहां पर आगे लिखा है यूजर एंड सिस्टम लेवल प्रोसेस मतलब देखो दोस्तों जो आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम के प्रोसेस है उनको हम बोलेंगे यूजर लेवल प्रोसेसेस जो प्रोसेस को सिस्टम खुद इनिशलाइज करेगा जो प्रोसेस सिस्टम से एक्सेस होंगे उनको हम बोलेंगे सिस्टम लेवल प्रोसेसेस, तो उनको सबको बनाना उनका एग्जीक्यूशन करना उनको डिलीट करना काम होने के बाद ये सब प्रोसेस मैनेजमेंट करेगा नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स कंट्रोल एक्सेस टू रिसोर्सेस, मतलब ये कि हमारे पास कुछ प्रोसेसेस है फॉर एग्जीक्यूशन तो इन सब प्रोसेसेस को रिसोर्सेस का जरूरत होता है फॉर देयर एग्जीक्यूशन रिसोर्सेस मतलब फाइल्स मेमोरी, आईओ डिवाइसेस सीपीयू ये सब हमारे रिसोर्सेस है इससे भी और कहीं ज्यादा और रिसोर्सेस हमारे पास होते हैं सिस्टम में तो इन रिसोर्सेस का जरूरत हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम को होता है फॉर कंप्लीटिंग देयर एग्जीक्यूशन टास्क अगर हम इन प्रोसेसेस को प्रॉपरली कंट्रोल्ड मैनर में अगर एग्जीक्यूट करें तो हर एक प्रोसेस को रिसोर्स मिलेगा शेयर्ड मैनर में सर ये सब रिसोर्सेस शेयर्ड मैनर में क्यों होते बिकॉज वी नॉट यूज डेडिकेट रिसोर्सेज फॉर ईच एंड एवरी सिस्टम और ईच एंड एवरी प्रोसेस अवेलेबल इन टू अवर सिस्टम सर भाई आज आपके सिस्टम में P1 वन टू पी एन है इसीलिए हम ये सोचेंगे कि हमको डेडिकेटेड रिसोर्स चाहिए कल जाके अगर सिस्टम में सिर्फ एक या दो ही प्रोसेसेस होंगे तो, तो जितने भी रिसोर्सेस आपने सिस्टम में ऐड किए गए हैं तो वो रिसोर्सेस वेस्ट होंगे क्योंकि सर उनको एक्सेस करने वाला कोई प्रोसेसी सिस्टम में नहीं है तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ डन इज ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक कंट्रोल्ड एक्सेस का एनवायरनमेंट दिया हुआ है वो कंट्रोल्ड एक्सेस का एन्वामेंट उन शेयर्ड रिसोर्सेस के लिए है ताकि ये शेयर्ड रिसोर्सेस इन प्रोसेसेस के लिए प्रॉपरली यूज हो सके सर मतलब एक के बाद दूसरा प्रोसेस उस रिसोर्स को यूज कर सकता है अगर कोई रिसोर्स अगर कोई रिसोर्स दो प्रोसेस को कंबाइनली यूज करने के लिए दिया जा सकता है तो वो भी वो भी पॉसिबल है सर ये कब पॉसिबल होगा हमको बताओ चलो फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पी फाइल है सर फाइल इज ऑल्सो रिसोर्स यस तो सर पी फाइल एक रीड ओनली फाइल है ठीक है तो ये रीड ओनली फाइल में जितने भी प्रोसेसेस मेरे सिस्टम में है इन सबको दे सकता हूं सर शेयर्ड मैनर में देंगे बराबर है ना क्यों क्योंकि रीड ओनली फाइल है ना तो उसमें कभी भी कोई यूजर चेंज नहीं करेगा उसमें कभी भी कोई प्रोसेस चेंज नहीं कर सकता समझ में आया सो दैट काइंड ऑफ अ वे फॉर हैंडलिंग द रिसोर्सेस सेकेंड इज शेड्यूलिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन सर शेड्यूलिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्या जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारे पास ये इतने प्रोसेसेस है पी वन टू पी एन तो इन प्रोसेसेस को सीपीयू की तरफ शेड्यूल करना फॉर देयर एग्जीक्यूशन इज पार्ट ऑफ शेड्यूलिंग सर तो सिंक्रोनाइजेशन मतलब प्रोसेसेस के बीच में कोई रिसोर्स है तो वो रिसोर्स को प्रॉपरलींक्रोनाइज वे में यूज करना सो दैट पी वन एंड पी टू बोथ विल गेट द रिसोर्स वेनेवर दे बट दार्ट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन सर तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है कभी कभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है जब पी वन एक प्रोसेस है पी टू दूसरा प्रोसेस है पी वन का कोई आउटपुट है जो P2 को एज अ इनपुट करके रिक्वायरमेंट है तो नेचुरली P2 प्रोसेस विल आस्क P1 फॉर आउटपुट ऑफ दैट पर्टिकुलर P1 प्रोसेस बराबर है तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करने का एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ठीक है सर तो ऑपरेटिंग सिस्टम फैसिलिटी प्रोवाइड करता है मतलब P2 टू कांटेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं करेगा P1 से नहीं P2 ओएस की तरफ रिक्वेस्ट देगा ओएस वो रिक्वेस्ट को P1 की तरफ भेजेगा और फिर P1 जो रिप्लाई देगा वो रिप्लाई P2 को मिलेगा समझ में आया सर तो इसका मतलब है कि ऑल दोस प्रोसेसेस आर रनिंग इन समथिंग लाइक आइसोलेशन मोड यस P1 को पता नहीं है कि टू कहाँ रन हो रहा है P2 को पता नहीं है कि पी वन कहाँ रन हो रहा है समझ में आया नेक्स्ट है डेडलॉक हैंडलिंग बिटवीन द प्रोसेसेस डेडलॉक मतलब ये कि एक प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है वो रिसोर्स किसी दूसरी प्रोसेस के पास है और वो जो दूसरा प्रोसेस है वो कोई ऐसे रिसोर्सेस की तरफ वेट कर रहा है जो रिसोर्स पहले वाले प्रोसेस के पास पड़ा हुआ है अल्टीमेटली क्या होगा कि ना P1 आगे एग्जीक्यूशन कर पाएगा ना P2 आगे एग्जीक्यूशन कर पाएगा ड्यू टू सर्कुलर वेट कंडीशन अराइज समझ में आया उसको बोलते हैं डेडलॉक तो इस सिचुएशन को अवॉइड करना इस सिचुएशन से सिस्टम को प्रिवेंट करना और अगर फिर भी ऐसा सिचुएशन अकर हुआ तो वो सिचुएशन कैसे हैंडल करना है वो होता है मेरे प्रोसेस मैनेजमेंट का फंक्शनैलिटी समझ में आया दोस्तों नेक्स्ट इज मेमोरी मैनेजमेंट दोस्तों हम सबको पता है कि हमारे सिस्टम में दो टाइप का मेमोरी होता है एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मतलब आपका रैम जो कि टेम्पररी मेमोरी होता है आफ्टर सिस्टम शट डाउन वो मेमोरी फ्लश आउट हो जाता है और सेकेंडरी मेमोरी इज नथिंग बट योर हार्ड डिस्क और परमानेंट स्टोरेज मीडिया ठीक है तो हर एक प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करना उसको मेमोरी से डी एलोकेट करना उसको मेमोरी से निकाल देना इज अ वर्क कमिंग अंडर द मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शनैलिटी नेक्स्ट है रिवोक दी एलोकेटेड मेमोरी फ्रॉम द प्रोसेसेस एज सुन एज दे हैव फिनिश्ड एग्जीक्यूशन सर मतलब देखो रिवोक मतलब उस पर्टिकुलर प्रोसेस से उसने एलोकेट किया हुआ मेमोरी वापस लेना सर वापस क्यों लेंगे क्योंकि जैसे ही उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा उस प्रोसेस को उतने अमाउंट ऑफ मेमोरी का कोई भी जरूरत नहीं है उसकी जगह पे हम क्या करेंगे इस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद जो नई प्रोसेस वहां पर सिस्टम में आने वाली है या फिर आ चुकी है उन सब प्रोसेसेस को मेमोरी एलोकेट करने का काम किया जाएगा सर तो फिर यहाँ पर आपने जो रिवो किया है मेमोरी तो मेरे एग्जिस्टिंग प्रोसेस का डेटा लॉस्ट हो सकता है नहीं जैसे ही मेरे प्रोसेस का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ वो जो प्रोसेस का डेटा है वो डेटा मेमोरी में एक प्रॉपर जगह पे स्टोर होने के बाद ही उस प्रोसेस से वो मेमोरी रिवोक किया जाता है मतलब वापस लिया जाता है सो दैट फ्यूचर में कोई भी नया प्रोसेस अगर आया तो उनको मेमोरी प्रोवाइड करने के लिए कोई भी हर्डल क्रिएट ना हो सके समझ में आया नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग ऑफ मेमोरी यूसेज बाय ऑल दी प्रोसेसेस इन टू सिस्टम सर मतलब ये जितने भी आपके प्रोसेसेस सिस्टम में एक्टिवेटेड है इन सब प्रोसेस के मेमोरी यूसेज को मॉनिटर करना इज वर्क कमिंग अंडर मेमोरी मैनेजमेंट सर वो मेमोरी यूसेज मॉनिटर करने का क्या जरूरत है हर एक प्रोसेस को जितना चाहिए उतना वो मेमोरी ले सकता है येस इट इज करेक्ट बट समाइम्स इट इज पॉसिबल दैट सम प्रोसेस मे टेक लार्जर अमाउंट ऑफ मेमरी विच इज मोर देन दी रिक्वाड फॉर दिज प्रोसेस इट मे बी इट मे बी ड्यू टू समबनॉर्मल सीनारियो हैपन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस तो अगर हम लोग वो मॉनिटर करेंगे तो हमको पहले ही पता चल जाएगा कि वो प्रोसेस में कुछ तो एबनॉर्मल या कोई तो ऐसा एरर है जिसकी वजह से वो एक्सेसिंग के लिए बहुत सारा मेमोरी यूज कर रहा है तो हम लोग उस पर तुरंत सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं और उसकी वजह से हमारा मेमोरी यूसेज बचेगा सर वो मेमोरी यूसेज बचा के आपको क्या करना है सेम अगर मैं मेमोरी यूसेज बताऊं बचाऊंगा तो मेरे सिस्टम में न्यू प्रोसेसेस के लिए जगह तो बना ही रहेगा एट द सेम टाइम ये जो प्रोसेसेस है जो एबनॉर्मल बिहेव करना स्टार्ट किया है उस पे अपने को मॉनिटर भी हो सकता है समझ में आया नेक्स्ट इज कंबाइनिंग द स्कैटर्ड फ्री मेमोरी ब्लॉक्स ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है मेरे मेमोरी मैनेजमेंट के अंडर सर मतलब दोस्तों अज्यूम तो करो यहाँ पर P2 से लेके Pn तक हमारे पास मेमोरी ब्लॉक्स में प्रोसेसेस वर्किंग है अभी हमारे पास सिर्फ दो एम का स्पेस बचा है लेकिन जो न्यू प्रोसेस आएगा वो न्यू प्रोसेस को टोटल टेन एम का स्पेस चाहिए टू गेट एग्जीक्यूटेड इनटू द मेमोरी तो सर हमारे पास तो सिर्फ दो एम है तो हम क्या करेंगे यहां पर जितने भी प्रोसेसेस है उसमें से जिस जिस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन खत्म हो चुका है उन प्रोसेसेस के जो मेमोरी ब्लॉक्स है उन मेमोरी ब्लॉक्स को ऐड करके एक कंबाइन मेमोरी ब्लॉक बनाएंगे एक कंबाइन मेमोरी ब्लॉक बनाएंगे जो कंबाइन मेमोरी ब्लॉक इस प्रोसेस को सफिशियंट होगा टू गेट एक्सेस्ड इनटू द मेमोरी समझ में आया इसके लिए यह बोला गया है कि स्कैटर्ड फ्री मेमोरी को कलेक्ट किया जाएगा और उनको एक फ्री अवेलेबल मेमोरी स्लॉट में डिवाइड किया जाएगा और फिर एक प्रॉपर फ्री स्पेस बनेगा आफ्टर कंबाइनिंग स्कैटर्ड फ्री मेमोरी स्पेसेस समझ में आया वो होता है फीचर्स और फंक्शनैलिटीज कमिंग अंडर मेमोरी मैनेजमेंट दोस्तों नेक्स्ट इज फाइल मैनेजमेंट वी नो आर वेरियस फाइल्स इन टू सिस्टम। सो फाइल रिलेटेड के कुछ बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं वो फाइल मैनेजमेंट के अंडर परफॉर्म होते हैं जैसे कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन फाइल कैसे मेमोरी में प्लेस किया जाएगा कौन से टाइप का फाइल कौन से मेमोरी ब्लॉक में कौन सी हायरार्की के बेसिस पे सेव होगा फाइल स्टोरेज के लिए लगने वाला स्पेस फिर फाइल रिट्राइवल सर मतलब जैसे कि मेरे मेमोरी में एफ वन से लेके एफ एन तक कोई फाइल्स है तो वो फाइल्स जब भी यूजर को रिक्वायर्ड होगा वो फाइल्स प्रॉपरली यूजर की तरफ सेंड किया जाएगा उसको बोलते हैं फाइल रिट्राइवल फाइल नेमिंग दोस्तों इसका मतलब है प्रॉपर फाइल कन्वेंशन मतलब फाइल को नाम देते वक्त फॉलो किया जाने वाला कन्वेंशन इज नथिंग बट फाइल नेमिंग नेक्स्ट इज फाइल शेयरिंग मतलब ये कि जैसे जैसे हमारे पास एक से ज्यादा फाइल से अप टू एन वैसे ही हमारे पास एक से ज्यादा यूजर हो सकते हैं अप टू एन तो इन यूजर के बीच में फाइल्स शेयर हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन वेरियस क्राइटेरियाज मेंशनड सर वेरियस क्राइटेरियाज मेंशन मतलब अगर फाइल शेयर करना है तो वो दोनों यूजर थोराइज यूजर होने चाहिए ठीक है और अगर दोनों में से किसी यूजर ने अगर उस फाइल में कुछ चेंज किया तो वो चेंज उस जगह पे एकट होना चाहिए और दूसरे यूजर को उस चेंज के बारे में पता भी चलना चाहिए दैट इज नथिंग बट फाइल शेयरिंग फाइल प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी हर एक फाइल एक प्रॉपर ऑथराइज यूजर से ही एक्सेस होना चाहिए जिसकी वजह से मेरे सिस्टम का सिक्योरिटी है वो हमेशा मेंटेन रहेगा। दैट इज फाइल मैनेजमेंट नेक्स्ट इज डिवाइस मैनेजमेंट डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर इट इज कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल द डिवाइसेस अटैच टू द सिस्टम बाय कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग इज डिवाइस एक्टिविटी सर पहली बात तो इसका क्या जरूरत है देखो आपके डिवाइस का वर्किंग नेचर प्रॉपर है कि नहीं है सर मतलब मतलब सर वो डिवाइस एक्सेसिबल है यूज़र को या फिर उस डिवाइस में कुछ एरर है उसकी वजह से वो डिवाइस प्रॉपर आउटपुट नहीं दे पा रहा है ये चेक करना पड़ेगा तो बेटर वे है कि हम लोग उस डिवाइसेस का ट्रैक रखेंगे और उनको कंट्रोल और मॉनिटर करेंगे ताकि उनका एक्टिविटी हमेशा यूजर को मिलता रहे नेक्स्ट इज अपडेटिंग द डिवाइस ड्राइवर्स टाइम टू टाइम इफ़ रिक्वायर्ड सर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग को मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है कि आपके डिवाइस का ड्राइवर अपडेट करना है टू सिंक्रोनाइज मोर एप्लीकेशंस इन अ प्रॉपर मैनर तो इसका मतलब क्या आपका मोबाइल खराब हो गया नहीं आपका मोबाइल चालू है बट आपके मोबाइल के जो डिवाइस ड्राइवर्स है उनको सिर्फ अपडेट करना है टू सिस्टम परफॉर्मेंस दैट सेट समझ में आया नेक्स्ट इज रिपोर्ट द माल फंक्शनिंग ऑफ डिवाइसेस इफ रिक्वायर्ड डिवाइस मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ये आपके जितने भी डिवाइसेस सिस्टम में अटैच है दोस्तों अपने सिस्टम में बहुत सारे डिवाइसेस अटैच होते हैं तो वो डिवाइसेस अगर किसी माल फंक्शनिंग का शिकार हो गए तो वो रिपोर्ट करना पड़ेगा हमको ऑपरेटिंग सिस्टम को यूजर को सो दैट यूजर विल अवेयर बाय नॉट यूजिंग दोज डिवाइसेस अन देर हेल्थ इज अगेन नॉट मेड इन अ प्रॉपर मैनर समझ में आया नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी दोस्तों प्रोटेक्शन इज अ मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग एक्सेस ऑफ प्रोसेस और यूजर्स टू इच रिसोर्स सर मतलब देखो जितने भी हमारे पास रिसोर्स है इन रिसोर्स को यूज़ करने वाले जो प्रोसेस या यूजर्स है इनको अगर प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं किया गया तो कोई भी इस रिसोर्स को यूज़ करेगा लेकिन जब यूज़ करेगा तो ऑबियस है हर एक प्रोसेस का डेटा सिक्योर्ड ही रहेगा इसका गारंटी नहीं है समझ में आया इसका मतलब क्या मेरे डिवाइस आपके यूजर के डेटा को प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे इसीलिए उन सबका कंट्रोल्ड एक्सेस होना बहुत जरूरी है नेक्स्ट इज सिक्योरिटी इट इज नथिंग बट डिफेंसिंग ऑफ द सिस्टम अगेंस्ट इंटरनल एक्सटर्नल अटैक्स दोस्तों एग्जाम्पल लो इंटरनल एक्सटर्नल अटैक मतलब क्या फॉर एग्जाम्पल मेरी सिस्टम में एक वायरस आ चुका है किसी डेटा के साथ तो वो वायरस मेरी सिस्टम के इंटरनल स्ट्रक्चर को अटैक कर सकता है वैसे ही अगर मेरी सिस्टम आउटसाइड नेटवर्क में कनेक्टेड है तो वो आउटसाइड नेटवर्क मेरी सिस्टम के लिए एज एन एक्सटर्नल अटैक कर सकता है समझ में आया तो इन सब से अपने सिस्टम को डिफेंड करके रखना इज वर्क कमिंग अंडर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी इसके लिए हमारे पास और एक एस्पेक्ट है दैट इज डिस्टिंग्विशिंग अमंग यूजर्स टू डिटरमाइन हु कैन डू वॉट सर मतलब क्या मतलब ये सर कि मेरी सिस्टम में एक टाइम पे बहुत सारे यूजर्स रजिस्टर होते हैं तो वो यूजर्स का अगर मैंने प्रॉपरली ट्रैक नहीं रखा तो हमको नहीं पता चल सकता कि कोई यूजर सिस्टम में माल फंक्शन करने का कोशिश कर रहा है कि नहीं सर तो उसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है उसके ऊपर एकदम सिंपल सोल्यूशन है आपके पास जितने भी यूजर्स है उन सब यूजर्स को एक यूनिट यूजर आईडी प्रोवाइड करना अगर ग्रुप ऑफ यूजर है तो उनको ग्रुप आईडीज असाइन करना विच इज द रिजल्ट ऑफ प्रॉपर ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑल दोज रिसोर्सेस और ऑल दोज यूजर्स नेक्स्ट इज असोसिएटिंग ऑथराइज यूजर आईडीज़ टू ईच फाइल टू एनहांस प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी सर मतलब जैसे कि हमारे पास बहुत सारे फाइल्स है तो ये फाइल्स को बहुत सारे यूजर्स एक्सेस करना चाहते हैं लेकिन टू मेंटेन द सिक्योरिटी टू मेंटेन द सिक्योरिटी व्हाट वी विल डू वी विल अटैच अ लिस्ट ऑफ अथराइज यूजर्स अटैच द लिस्ट ऑफ अथराइज यूजर्स टू ईच एंड एवरी फाइल सो दैट वेन एवर द फाइल इज कमिंग फॉर एग्जीक्यूशन इफ दैट फाइल इज नॉट having any authorized user id then the particular operation will not be performed by enhancing protection and security samajh mein aaya matlab ye hai ki meri system mein authorized user ka id check hoga file ke sath जो कि आपके protection and security को enhance करने के लिए बहुत ही important है समझ में आया तो ये था दोस्तों आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे फंक्शनालिटी मॉड्यूल्स सर इनको मॉड्यूल्स में डिवाइड करने का कोई एक एडवांटेज बताओ देखो दोस्तों जैसे कि हमने अब तक डिस्कस किया ये जितने भी फंक्शनालिटी मॉड्यूल्स हैं ये सब मॉड्यूल्स बहुत अलग अलग लेवल पे स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं ठीक है तो अगर इनमें से अगर हम लोग एग्जाम्पल लें कि वी हैड नॉट डिवाइडेड ऑल फंक्शनैलिटीज इन मॉड्यूल्स हमने क्या किया हमने मॉड्यूल्स में इनको डिवाइड नहीं किया तो दोस्तों प्रोसेस मैनेजमेंट का फीचर प्रोसेस मैनेजमेंट के फंक्शनैलिटी का एरर कौन सॉल्व करेगा फाइल मैनेजमेंट फंक्शनलिटी का एरर कौन सॉल्व करेगा प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी फंक्शनलिटी का लेवल कौन सॉल्व करेगा तो ये सब क्वेश्चंस अराइज होंगे सर अभी तो हमको क्वेश्चन नहीं आ रहा क्योंकि आपके पास हर एक एस्पेक्ट के लिए पहले ही डिफाइन किया गया है कि कौन सा मॉड्यूल कौन से स्पेसिफिक टास्क के लिए फंक्शन करेगा समझ में आया सो दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है थैंक यू